गोविंद गाड़ी भीर में राम सुमिरत तोई सुपत राखी प्रहलाद की सुबही भरोसा मोई किला जरख विपन बिहारी प्यारी राधा के बर तार राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, टूटे सभी सहारे, सुनकर के आपको ये पता चलेगा कि जिंदगी में समय इंसान को किस तरह से मोड़ करके हर रास्ते पर खड़ा कर देता है। दोस्तों, जिंदगी में न जाने कैसा कैसा वक्त आता है,
بڑا ہی گلبان جو تھا مہاراج کے آنگن میں ایک استری اور صرف ایک ہی لڑکا ہوا تو سیل بان گڑ بان تھا دھرم سبن بھوپال ایک ناری پیاری محل گھر میں ایک ہی لال راجہ کے گھر میں केवल एक ही लड़का था। एक दिन कहीं बाहर से घूम करके जिस समय एक नदिया के किनारे पहुंचे हैं, अपनी स्त्री और अपने पुत्र को साथ लेकर के केवट से इशारा किया है कि भैया हमें नदिया से उस तरफ जाना है और हम तीन ही प्राणी हैं, इसलिए तुम हमें दूसरे किनारे तक पहुंचा दो। दोस्तों के संग लय पुत्र और नारी और नबका पे बैठ गए जाई जिस समय नाव पर बैठ गए हैं अपने लड़का को और अपनी स्त्री को साथ लेकर के हृदय में बड़े विचार हैं और महाराज बहुत खुश थे। भारी खुशी भूप के मन में भारी खुशी भूप के मन में पुत्र नारी है दो संग में कर रहे नदी को पार नबका में बैठ गए जाई पर जिस समय बैठ गए नदी को पार करने के लिए उसी समय दोस्तों उस नाविक से इशारा दिया है महाराज ने। सुन ले नाविक मेरे भाई पल्ली पार के दियो लगाई मैं जाऊं केवट जिस समय उन तीनों प्राणियों को बिठाल करके चला है दोस्तों नदिया में नाव जब बहने लगी है चलने लगी है अरे जब नाविक ने नाव चलाई हाँ जब नाविक ने नाव चलाई किस्मत धोखा दे गई भाई और होनी परी पिछारी ओ पिछारी नबका में बैठ गए जाई Bye.
में जिस समय नाव इधर उधर डिगने लगी, किस्मत ने साथ छोड़ दिया दोस्तों। जहां नदिया में पानी बहुत गहरा था, महाराज अपनी रानी और पुत्र के साथ नाव पर बैठे हुए थे चौथा केवट, लेकिन डूबन लगी धार में जाई। डूबन लगी धार में जाई, देख के भूप गयो घबराई। माँ की छुट्टी की डकार नबका में बैठ गए खाई। जिस समय नाव पर बैठ करके ये दोस्तों, जिस समय नाव पर बैठ करके ये तीनों प्राणी घर की तरफ चले हैं, लेकिन बीच धार में जाकर के नाव जिस समय डूबने लगी है, नाव जब डूबने लगी तो महाराज अपने पुत्र के चेहरा की ओर निहार करके सोचने लगे कि मेरा जरा सा बालक वो पानी में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को देगा। आज हमारे जिंदगी का आखिरी दिन और सब एक ही साथ मर रहे हैं, लेकिन मां, मां का कलेजा हिल गया, उस बच्चे को गोद उठा लिया। और दोस्तों, नाव जब डूबने लगी, अरे तब बिलखी परी नारी अजूले के कुमर को गोद। जिंदगी का कोई सहारा नहीं देखा और नाव जब पानी में बहने लगी, मां सोचने लगी अब क्या करें, कहां को जावे, अब क्या करें, कहां को जावे, कैसे पति के प्राण बचावे, अपने कुमार को कहां छिपावे। अरे यो कही के लकारी अजूल के कुमार को बेटा के मुंह पर अपना मुंह रख लिया। नाव जब डूबने लगी तो रानी रो करके कहने लगी, परमेश्वर मैं वो अभागिन हूं जो पुत्र और पति के मरण को अपनी आंखों से देख रही हूं। लेकिन दोस्तों, उस बेटा की ओर निहार करके मां की ममता कुछ और उमड़ने लगी। मीठा ले वे और पुछ खा वे, मीठा ले वे और पुछ खा वे,
अपने लला के मुख को निहारे अरे नाभिक से वचन उच्चारे बोली महातारी अज लेके लला को नाव में जब पानी भरना शुरू हो गया केवट की ओर निहार करके रानी आंखों की अश्रु धारा बहाती हुई दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी भैया भैया मैं तो मर ही रही हूं लेकिन किसी तरीका से मेरे मासूम बच्चे को आप बचा लीजिए आप बचा लीजिए मेरे कुमार को लिए बचाई मेरे लला को लिए बचाई रूखो सूखो तू दिए खवाई कबहू दुख दिए ना भाई अज कहके कि लखारी कोई लेके लला को राजा और रानी ने अपने बच्चे को पकड़ करके केवट के हाथ में दे दिया और ये कहा कि भैया तू मेरे बालक को बचा ले मेरे बालक को बचा ले नाव जब डूबने लगी मां रो करके कहने लगी जाओ मेरे लाल जा मेरे बेटा तू रहिए सुखारी जा मेरे बेटा तू रहिए सुखारी छोड़ चले तो पिता महतारी कबहू न चिंता करिए हमारी तेरी मात भई न्यारी कोई लेके लला को केवट ने उस बच्चे को पीठ पर बांध लिया और दोस्तों जैसे ही नाव डूबने लगी केवट पानी में छलांग मार गया देखत देखत नाव डूब गई देखत देखत नाव डूब गई पिता के संग माता भी मर गई अरे ब्रजेश आशा टूट गई और हुई बैठी खुआरी कोई लेके लला को जब नाव डूब गई राजा और रानी उसी पानी में बहते हुए चले गए जब वो दोनों खत्म हो गए 5 वर्ष के उस बालक को केवट ने बचा लिया और केवट उस बच्चे को निकाल करके अपने घर ले आया। इधर क्या हुआ उस बालक को उसने अपने बालक जैसा प्यार दिया
और पालने लगा। लेकिन जब एक दूसरे राजा ने यह सुना कि महाराज पानी में डूब करके खत्म हो गए हैं, उसकी रानी भी मर चुकी है लेकिन लड़का उसका जीवित है, सोई सुना राज देख के राजा ने करी चढ़ाई। अरे सुना राज देख के राजा ने करी चढ़ाई। और सुनी पड़ी है राजधानी अधिकार जमाई। दोस्तों, राजा रानी दोनों खत्म हो चुके थे, उसने उस शासन के ऊपर कब्जा जमा लिया। राज्य को सूना निहार करके और जब एक दूसरे राजा ने अधिकार जमा लिया, लेकिन राजा का नौकर कहने लगा, महाराज ये राज्य ऐसे तो तुम्हारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि राजा मर चुके हैं, उसका लड़का भी जीवित है और लड़का जब बड़ा हो जाएगा तब तुमसे एक दिन बदला जरूर लेगा, इसलिए ऐसा करो उस कांटे को निकलवा दीजिए। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में तुरंत ही सिपाहियों को भेजा और ये कहा कि उस राजा का लड़का जो जीवित है, सुना है कि वो केवट ने बचा लिया है और उस केवट से उस बच्चे को लेकर के बहुत जल्दी आओ, तलवार से काट करके बाहर फेंक दो। उसी समय कि कैसो विधि को बनो विधान चले फरन सब ही जान, कैसो विधि को बनो विधान चले ही भूख के फर में जान, कैसा कहां एक सहारा केवट मिल चुका था, आज उसके पास के लिए जब सिपाही भागे हैं, नहीं रहम किया कोई मन में, ले तलवार चले हाथन में, ना रहम किया कोई मन में, ना रहम किया कोई मन में, लेके तेग चले हाथन में, ना के दिल में क्रोध महान चले भूख के फरन जान, कैसा विधि को बनो विधान चले भूख के फरन जान। दोस्तों, तलवार हाथ उठाई, केवट के घर के लिए उस बच्चे को मारने के लिए भागे, कैसी है प्रभु तेरी माया, नहीं पार किसी ने पाया, कैसी है प्रभु तेरी माया, नहीं पार किसी ने पाया, कैसी है प्रभु तेरी माया, नहीं पार किसी ने पाया।
दुखियों कोई हैरान चले हैं भूखे फर निजवान दोस्तों बढ़े आगे बढ़े केवट के घर पहुंच गए नहीं पता कुमर का पाया नाबिक को तब बंधवाया ना मिल गए धूल सभी अरमान चले हैं भूखे फर निजवान मेरे भैया उस बच्चे को ढूंढते रहे जब उस बच्चे को ढूंढते रहे लेकिन भगवान की ऐसी दया हुई केवट की स्त्री और उस बच्चे को लेकर के कहीं बाहर चली गई थी उस समय लेकिन जब उस बालक का कोई पता नहीं चला तुरंत ही केवट को पकड़ करके बांध लिया चलने लगे और कहने लगे कि अब इस तरीके से तू नहीं बताएगा हमें तो दोस्तों उस केवट को किले करके जबान चले उसको घर बार सभी वो छूट गया जिस आस कुमर को थी बीरन जिसकी आस कुमर को थी आज वो भी सहारा टूट गया माता पिता तो जल में डूब के खत्म हो गए लेकिन केवट का सहारा देखा चलते इस समय नारी से कहा चाहे जान तुम्हारी चली जाए केवट अपनी स्त्री से संकेत करने लगा कि हम तो बंध के जा रहे हैं लेकिन चलते ही समय के बट ने कहा चाहे जान तुम्हारी चली जाए मैं बचे चाहे अब नहीं बचे लाल पे आंच नहीं आए आस कुमर को सारा सहारा